तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो आज है सैटरडे 11 तारीख, तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपको कहीं फिर से घुमाया जाए। तो आज मैं प्लान कर रहा हूँ लाल किले का, और टाइम मिला तो चांदनी चौक का भी। सबसे पहले यहाँ से चलते हैं, मेट्रो लेंगे और फिर वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पर पूरे दिन क्या क्या करता हूँ मैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे लिंक आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे को वहाँ पे फॉलो करें रोज़ अपडेट्स के लिए। तो मेरे घर के जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो ये वैशाली है, तो मैं यहाँ से मेट्रो लेता हूँ। तो यहाँ से हमें जाना होगा लाल किला मेट्रो स्टेशन। तो उसके लिए जो रूट है, यहाँ से हमें पहले वैशाली से मेट्रो बोर्ड करनी है, और फिर उसके बाद हमें मंडी हाउस से वहाँ से मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी। दिल्ली की साइड जा रहे हैं, जैसे मैं लाल किला और चांदनी चौक जा रहा हूँ, तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप लोग कैश जरूर ले जाएं अपने साथ, क्योंकि वहाँ पे कैश की बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो लाल किला के लिए हमें यहाँ से एग्ज़िट लेना होगा। गेट से बाहर होके डालो भाई, डालो टोकन। फिर मेट्रो बोर्ड करने के बाद यहाँ से हम बाहर की तरफ एग्ज़िट करेंगे। तो यहाँ पे एस्केलेटर भी है, सीढ़ियाँ भी हैं, तो आप एग्ज़िट करके इस तरफ बाहर जब निकलेंगे तो आपको सबसे पहले बाहर मंदिर दिखेगा, और मंदिर के ऑपोजिट लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो वो सामने की तरफ हमारा रेड फोर्ट है। तो यहाँ से हमें सड़क क्रॉस करते हुए उस तरफ जाना है, और वहाँ पर ही सारे टिकट्स और जो भी चीज़ें हैं वो आगे वहाँ पर देखते हैं कैसे होता है। इस तरफ से शायद एंट्री है, देखते हैं। और मुझे लग रहा है यहाँ से कहीं एंट्री है, मगर देखना पड़ेगा। फिर मैं यहाँ पे पहुँचा टिकट काउंटर के पास। वैसे इस वक्त ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी टिकट काउंटर पे, मगर हाँ थोड़ी सी लाइन लगी हुई थी, एक ही काउंटर इन लोगों ने ओपन कर रखा था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप यहाँ पर आएँ तो अगर आपने बैग कैरी कर रखा है तो उसके लिए भी बगल में टिकट काउंटर के बिल्कुल लेफ्ट में वहाँ पर एक क्लॉक रूम है, वहाँ पर आप अपना बैग ज़रूर डिपॉजिट करवाएं, नहीं तो जब आप चेकिंग पर जाओगे तो आपको फिर रिटर्न वो लोग वापस भेजेंगे। इससे बेटर है कि जिस वक्त आप अपनी टिकट ले रहे हो उसी वक्त लेफ्ट साइड में, अगर आप देख सकते हो वहाँ पर लोग अपना सामान डिपॉजिट करवा रहे हैं। झगड़ते हुए टिकट एट द एंड मुझे मिली गई 4 बजे। यहाँ पे काउंटर्स क्लोज हो जाते हैं। वैसे ऑनलाइन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ऑनलाइन तो ये था कि 4:30 तक आपको टिकट्स मिलेगी, मगर यहाँ पे सिर्फ 4 बजे तक आपको टिकट मिल रही है, और वो भी इतनी धक्कम धुक्की। यहाँ पे लोग लाइन में मतलब एक काउंटर से दूसरे काउंटर ऐसे शिफ्ट कर देते हैं। टिकट आपके पास कैश लेके आओ तो ज़्यादा अच्छे, क्योंकि बिना कैश के कैशलेस यहाँ पे एंट्री हो ही नहीं रही है। कैशलेस ये लोग पे ही नहीं कर रहे हैं, और पैसे भी इनको खुले चाहिए। तो 50 रुपीज़ मैंने कैसे कैसे इकट्ठे करे, उसके बाद ये टिकट मिली है मेरे को। तो चलिए अब चलते हैं अंदर। तो अब टिकट्स लेने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो वीमेंस के लिए और मेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट लाइंस हैं। तो इस तरफ से अंदर जाके यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा। अगर कोई भी सिगरेट गुटखा ये सब कैरी कर रहा है तो प्लीज़ कैरी मत करें वहाँ पे, क्योंकि ये लोग सब सिक्योरिटी चेक के टाइम पे सब बाहर निकलवा देते हैं।
तो सिक्योरिटी चेक्स के बाद अब यहाँ पे एंट्री हो चुकी है लाल किला में। तो चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। मैं भी बहुत सालों बाद आया हूँ, मैं छोटा सा शायद उसी टाइम पे मैं आया होऊंगा। उसके बाद अब चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या है अंदर और आपको भी दिखाते हैं। तो ये है इसकी मेन एंट्रेंस जहाँ से हम अंदर अभी एंटर करेंगे। तो इस गेट का नाम है लाहौरी गेट। वैसे यहाँ पे लाल किला में चार गेट्स हैं मगर यहाँ पे पब्लिक के लिए एंट्री के लिए यही गेट ओपन है। और इस गेट का नाम लाहौरी गेट इसलिए पड़ा है क्योंकि ये जो गेट है वो फेस करता है लाहौर पाकिस्तान की तरफ। तो यहाँ से हम अंदर एंटर करेंगे। और जो ये लाल किला है वो करीब 400 साल पुराना है। ये रेड फोर्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ था 2007 में। अब यहाँ से चलते हुए हम अंदर की साइड एंटर करेंगे। और जैसे ही हम अंदर के साइड एंटर कर रहे हैं तो आँखों के सामने जब हम ये स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो फीलिंग बिल्कुल अलग ही होती है। और इसको देख के पता चलता है कि हमारा कल्चर कितना रिच और कितना ही एम्पावरिंग है। इस स्ट्रक्चर्स को देख के आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। और ये कितने साल से इसी तरीके से टिके हुए हैं वो सबसे बड़ी बात है कि इतने टाइम के बाद भी इन स्ट्रक्चर को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से दूर दूर से आ रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इधर से उधर हिले नहीं है। और इसकी ब्यूटी, यहाँ पे एक एक चीज़ जो डेवलप हुई है, एक एक चीज़ जो बनी हुई है, उसका हर चीज़ का एक मतलब है। हर चीज़ एक सोच के साथ बनाई गई है। और फिर यहाँ पे हम अंदर एंटर कर रहे हैं मीना बाज़ार की तरफ। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं जो लोकल पीपल लगाते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं। और यहाँ पे हमें बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट्स का, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, शॉल्स, हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी मिलती हैं। और जब इसमें आप एंटर करते हो ना तो इसका जो स्ट्रक्चर, इसकी सीलिंग्स जब देखते हो, अभी आगे आपको शॉर्ट्स में मैं दिखाऊंगा, वो सीलिंग्स जो एक के बाद जैसे ये वाली सीलिंग आप देख पा रहे हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर कितना थॉटफुल होगा कि यहाँ पे लाइट एयर बिल्कुल प्रॉपर आती है। और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें शॉप कर सकते हैं। तो मैंने भी कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से ख़रीदी थी। शॉप अच्छी हैं, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स अच्छे मिल जाते हैं, शॉल्स, जैसे ये शॉल थी यहाँ पर। तो आप भी आइएगा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉप ज़रूर करिएगा। रेट्स थोड़े से हाई होते हैं मगर जब अंदर ये लोग बैठे हैं तो थोड़ी सी तो इनको प्राइसिंग में डिफरेंस होगा ही। यहाँ पे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही है। तो ये पूरी लेन यहाँ से बाहर तक की, इसमें पूरी शॉप्स लगी हुई थी।
और फिर इसके बाद हम पहुँचे दीवाने आम। ये वो जगह होती थी जहाँ पर राजा बैठ के अपनी प्रजा की जो भी परेशानियाँ, दुख दर्द, जो भी उनके इश्यूज, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी वो बैठ के यहाँ पे सुनते थे। किसी को भी अगर राजा से कुछ गुहार लगानी है, कुछ अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है, तो ये दीवाने आम होता था जहाँ पे प्रजा आएगी, यहाँ पे राजा बैठा करते थे और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके फैमिलीज़ में, सोसाइटी में जो भी इश्यूज़ हैं, उसको वो लोग यहाँ बैठ के सुना करते थे और वो यहाँ पे फैसले लिया करते थे। तो ये पूरा जो कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, पूरा ये रेड स्टोन से हो रखा था। यहाँ का फर्श भी रेड स्टोन से बना हुआ है। तो ये स्ट्रक्चर, ऊपर जो वॉल्स देख रहे हैं, सीलिंग्स देख रहे हैं, बहुत हाई है। और जो सामने आप वाइट कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर राजा बैठा करते थे और सामने प्रजा बैठ के यहाँ पे, इट्स लाइक अ कोर्ट, ये कोर्ट की तरह था जहाँ पे लोग की सुनवाइयाँ हुआ करती थी। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं खास महल की तरफ। ये बेसिकली अंडरग्राउंड एक महल है जो कि अभी इन लोगों ने क्लोज़ कर रखा है, यहाँ पे किसी की एंट्री नहीं है। जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके नीचे वो महल है, वहाँ पे राजा जो है वो अपने जितने भी एनिमल्स होते थे, जैसे एलिफेंट्स, लायन, उनकी फाइट देखते थे, तो वो उनका एंटरटेनमेंट एरिया हुआ करता था। तो वो जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे है। और फिर इसके बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दीवाने खास। पहले हम लोग गए थे दीवाने आम में, जहां पे आम जनता आया करती थी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और ये है दीवाने खास। यहां पर जो राजा है वो अपने जो मंत्री, सलाहकार और जो उनके खास लोग हुआ करते थे, उनके साथ यहां पे बैठ के मीटिंग्स किया करते थे, कैसे उनको आगे की चीज़ें प्लान करनी है। फिर हम पहुँचे हमाम पर, जो कि है एक शाही स्नान घर। तो यहाँ पर जो भी राजा थे वो यहाँ पे नहाया करते थे। तो देखिए, ये है वो हमाम घर और उसी के बगल में मस्जिद है जहाँ पे बैठ के सब लोग अपना नमाज वमाज पढ़ा करते थे। उसके बाद जब आप इस पार्क में एंटर करेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इन लोगों के जो स्ट्रक्चर होते थे, जो इन लोगों की सोच और जो थाट था वो कितना, मैं तो कहता हूँ, मॉडर्न था उस टाइम पर भी। ये देखिए, यहाँ पर जो ये पार्क है, यहाँ पर इन लोगों ने इस तरीके से ये पैसेज क्रिएट किया हुआ है, और ये वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होता था। तो जो भी बारिश का पानी आता था वो यहाँ पे इकट्ठा होके और सब जगह डिस्ट्रीब्यूट होता था। उसके बाद हम लोग पहुँचे थे ज़फ़र महल में। तो ये अगर आप कभी जयपुर गए होंगे तो वहाँ पे एक जल महल है, तो उसी के जैसा ये भी है। यहाँ पे भी पानी के बीच में ये महल था। अभी तो पानी कुछ नहीं है, यहाँ पे सब सूखा पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगल बगल में सब जगह फाउंटेन्स लगे हुए हैं। ये काइंड ऑफ जल महल ही है। फिर हम पहुंचे क्रांति मंदिर। यहाँ पे इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए फर्स्ट वॉर हुई थी 1857 में, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने लीड की थी। और देखिए यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, ये मुझे स्ट्रक्चर देख के समझ नहीं आया, बहुत ब्रिटिश वाली फीलिंग दे रहा है। मुझे लग रहा है जब ब्रिटिश ने यहाँ पे कॉन्कर किया होगा उसके बाद ये बिल्डिंग्स बनी थी। और फिर मैंने यहाँ से एग्ज़िट लिया। और मेरी ये छोटी सी कोशिश थी कि जितनी डिटेल में मैं आपको इस रेड फोर्ट के बारे में वीडियो बना सकूँ, मैंने ट्राई किया। मगर मैं आपको ये ज़रूर एक बार बोलना चाहूँगा कि आप लोग ख़ुद से आके इस जगह को एक्सपीरियंस ज़रूर करें, उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और इन स्ट्रक्चर्स को, सबको, इस हेरिटेज को अपने बच्चों को भी दिखाएँ ज़रूर। और फिर इसके बाद यहाँ से मैंने एग्ज़िट ली, और यहाँ से आपको जिस रास्ते से आप एंटर किए थे उसी रास्ते से आपको बाहर जाना होता है। और यहाँ पे आके मेरी ये जर्नी एंड हुई है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के साथ। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं कहाँ की बनाऊँ, तो वहाँ पर जाके कुछ अच्छी अच्छी वीडियो शूट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।